हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल स्टडी लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट ये दोनों सेम है। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड लेटर वी विल टॉक अबाउट एक्सेस रिएजेंट कोई भी एक केमिकल रिएक्शन या लिमिटिंग रिएजेंट को केमिकल रिएक्शन में देखने के लिए कि किसी गिवन केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है उस उसको समझने से पहले हम एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल हमें एक सैंडविच बनाना है एंड द रेसिपी टू मेक सैंडविच इज़ वी हैव टू यूज़ दिस रेसिपी टू मेक वन सैंडविच द रेसिपी इज़ Two bread slices, one cheese slice, and one onion slice means we are to use these three ingredient only to form one sandwich. And here, two bread slices, one cheese slice, one onion slice, and we got one sandwich. And suppose for making uh, sandwiches, we have six. Uh, bread slices 1 2 3 4 5 and 6 and we have six cheese slices and we have two onion slices so if we start making sandwich we will use these two bread slices one cheese slice and one onion slice this will make one sandwich right similarly again two bread slices one cheese slice one onion slice this will make another sandwich right now we have two sandwich uh, bread slices cheese slice but we do not have onion slice it means chahi ye do ingredient but we do not have third ingredient We means we will not be able to form another sandwich so in this case onion slice is the limiting reagent और द लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज विदाउट ऑनियन स्लाइस वी वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म अ सैंडविच अकॉर्डिंग टू द गिवन रेसिपी और इसी को अगर हम एक कैमिकल रिएक्शन समझ लें मीन्स एक गिवन कैमिकल रिएक्शन में ये वाले रिएक्टेंट्स यूज होने हैं और ये प्रोडक्ट बनना है अगर हमारे पास इन इन तीनों ने ही आपस में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाना है अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा सो इन दिस इस रेसिपी में ओनियन स्लाइसिस आर द लिमिटिंग रिजेंट एंड वी हैव थ्री मोर चीज़ स्लाइसिज इट मीन्स दीज आर द एक्सेस रिजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस चाहे हमारे पास ब्रेड स्लाइसिस भी दो अभी पड़ी हैं चीज़ स्लाइसिस भी हैं लेकिन ओनियन स्लाइस नहीं है और इट मीन्स the process or uh, or we can say the method to form sandwich or the uh, or uh, simply we can say the preparation will stop or if we talk about the chemical reaction then we will say the chemical reaction without this ingredient that is onion slice or the third ingredient will stop means the reaction will stop it means limiting reagent is that fractant विच इज इंटायरली कंज्यूम्ड और वी कैन से विच इज़ कंज्यूम्ड फर्स्ट सबसे पहले ख़त्म होएगा एंड व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड द रिएक्शन विल स्टॉप जैसे ये कंज्यूम हो जाएगा हमारी गिवन केमिकल रिएक्शन जो है दैट विल स्टॉप सो लिमिटिंग प्रेजेंट ऐसा रियक्टेंट है विदाउट इट्स प्रेजेंस और आफ्टर इट इज़ कंज्यूम्ड द रैक्शन विल नॉट गो फर्दर इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन और प्रोडक्ट विल स्टॉप अब हम क्या करते हैं लिमिटिंग रेजेंट को समझने के लिए एक दो नूमेरिकल्स सॉल्व करके देखते हैं ठीक है तो लेट्स हैव सम नूमेरिकल्स सो द फर्स्ट नूमेरिकल वट इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन मोल्स मीन्स हमने मोल्स में देखना है इसको दैट कैन बी मेड विद 7.8 पॉइंट एट मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड फोर पॉइंट सेवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर हम सेवन पॉइंट एट मोल मैग्नीशियम को फोर पॉइंट सेवन मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कितना मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन सकता है इस रिएक्शन में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढना है एंड ऑल्सो एक्सेस रिएक्टेंट व्हाट व्हाट रिएक्टेंट इज इन एक्सेस एक्सेस रिएक्टेंट भी ढूंढना है और हाउ मैनी मोल्स ऑफ इट आर लेफ्ट ओवर मीन्स ये भी देखना है कि एक्सेस रेजेंट के कितने और मोल्स बच जाते हैं मीन्स लिमिटिंग रेजेंट तो खत्म हो जाएगा जैसे उधर चीज़ स्लाइसिस अभी भी हमारे पास तीन पड़ी थी इट मीन्स देखना है कि एक्सेस रेक्टेंट के कितने मोल्स अभी भी पड़े हैं कि अगर हमारे पास और लिमिटिंग रेजेंट होता तो ये भी रिएक्ट कर सकते सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाना है फ्रॉम Magnesium and oxygen. The reaction is magnesium plus oxygen to give magnesium oxide. Here I have balanced the reaction 2 moles of magnesium react with 1 mole of oxygen to form 2 moles of magnesium oxide. Up केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन आपस में मिलके दो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं बट हमें देखना है सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम विद फोर पॉइंट सेवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हम हम हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं तो हम दोनों रिएक्टेंट्स को वन बाय वन लिमिटिंग रेजेंट मान के कैलकुलेशंस करेंगे सो so, सबसे पहले मैंने क्या करा इफ वी यूज ऑल ऑफ द मैग्नीशियम मीन्स हमने अगर सोचा कि अगर मैग्नीशियम सारा हम यूज कर लें सारे का सारा तो लेट सी हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डू वी नीड मीन्स जैसे हमारे पास इक्वेशन में 7.8 पॉइंट मोल्स मैग्नीशियम के हैं तो मैंने क्या करा मैंने देखना है कि अगर मैं 7.8 पॉइंट मोल मैग्नीशियम ले लेती हूँ पूरा तो देखना है कि कितने ऑक्सीजन uh, के मोल हमें चाहिए टू रिएक्ट विद फोर सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मीन्स हमने सेवन पॉइंट एट मोल्स मैग्नीशियम के लिए ठीक है और उसको हमने क्या करा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन

इट मीन्स टू रिएक्ट और टू कम्प्लीटली कंज्यूम 7.8 पॉइंट ऐट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एज इन द इक्वेशन अगर हमें 7.8 पॉइंट ऐट मोल पूरा यूज करना है तो वी नीड थ्री पॉइंट नाइन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हमें थ्री पॉइंट नाइन मोल्स ऑक्सीजन के चाहिए ठीक है सो so नेक्स्ट हम क्या करेंगे ऐसे ही हम पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम करके देखते हैं इफ हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैगनीशियम आर नीडिड टू यूज ऑल ऑफ द ऑक्सीजन अगर हमें पूरा ऑक्सीजन यूज़ करना है तो देखते हैं कितने कितने मैग्नीशियम के मोल्स हमें यूज़ करने होंगे सो इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के थे फोर पॉइंट सेवन सो हमने क्या करना है पूरे का पूरा फोर पॉइंट सेवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी विल टेक एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर रिएक्टिंग विद वन मोल ऑफ ऑक्सीजन mole of O 2 mole of O 2 will cancel out it give rise to 4.7 into 2 that is 9.4 moles of oxygen means we need 9.4 mole of magnesium uh, sorry uh, 9.4 moles of uh, magnesium to use our ऑल ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हमारे पास दिया है फोर पॉइंट सेवन मोल ऑफ ऑक्सीजन और हमने जब सो पूरी की पूरी फोर पॉइंट सेवन मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज करके देखी तो हमने देखा कि वी वी नीड नाइन पॉइंट फोर मोल्स ऑफ मैगनीशियम बट वी हैव ओनली सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैगनीशियम टू कम रैक्ट कम्प्लीटली विद फोर पॉइंट सेवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स वी आर शॉर्ट ऑफ मैग्नीशियम राइट जब हमने पूरा मैगनीशियम यूज़ करा सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल आए थ्री पॉइंट नाइन मोल्स तो इन द इक्वेसन वी हैव फोर पॉइंट सेवन मोल्स मीन्स वी हैव इनफ ऑक्सीजन to react with 7.8 moles of magnesium but when we use 4.7 moles of oxygen pura oxygen use karenge then we need 9.4 moles of magnesium but we have only 7.8 moles of magnesium it means to completely react uh, or to completely consume 4.7 mole of oxygen we need 9.4 moles of uh, magnesium but we have only 7.8 moles of magnesium that uh, which means magnesium is the limiting reagent clear so we have more oxygen to use all of the magnesium but we don't have enough magnesium

हाउ मैनी क्वेश्चन था सेकेंड हाउ मैनी मोल्स ऑफ इट आर लेफ्ट ओवर एक्सेस रेजेंट के कितने मोल्स अभी और बच जाएंगे अभी हमने देखा कि सेवन पॉइंट एट मोल मैग्नीशियम को यूज़ करने के लिए थ्री थ्री पॉइंट नाइन मोल ऑक्सीजन का चाहिए तो फोर पॉइंट सेवन हमारे यूज़ हैं टोटल थ्री पॉइंट नाइन उसमें से यूज़ हो रहे हैं तो अब देखना है कि कितने इसमें से बच जाएंगे ठीक है और ये भी देखना है कि हाउ मैनी हाउ मच मैगनीशियम ऑक्साइड कैन बी फॉर्मड तो हमारे पास था फोर पॉइंट सेवन मोल्स इक्वेशन में दिया था और हमारा यूज कितना हुआ थ्री पॉइंट नाइन जैसे मैंने यहाँ लास्ट में निकाला है एक्सेस रेजेंट ऑक्सीजन है टोटल रेक्टेंट हमारा ऑक्सीजन कितना दिया था फोर पॉइंट सेवन मोल्स रेक्टेंट यूज थ्री पॉइंट नाइन मोल्स तो लेफ्ट ओवर कितने हुए इसके कितने बच जाएंगे फोर पॉइंट एट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इसमें ली है टू फाइंड वट ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड हमने ये देखना है कि और कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड और बन सकता है अभी क्योंकि अभी भी हमारे पास थ्री पॉइंट एट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पड़े हैं तो और भी मैग्नीशियम बन सकता है तो हमने देखना है कि एक्सेस में मैग्नीशियम कितना बन सकता है ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इंटू टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इक्वेशन कह रही है कि टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर फॉर्मड सो टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मैगनीशियम ऑक्साइड हम क्या करेंगे सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन टू बिकॉज इट इज़ द लिमिटिंग रेजेंट तो हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट जब ख़त्म हो जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और नहीं बनेगा सो टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमाउंट वी हैव टू यूज लिमिटिंग रेजेंट एंड इट्स कम्प्लीट अमाउंट क्योंकि यही एक ऐसा रेजेंट है जो मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है जब ये ख़त्म हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं बनेगा राइट right? सो so, uh, इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास ब्रेड स्लाइसिस थी का है ना और हमारे पास चीज़ स्लाइसिस भी थी लेकिन ओनियन स्लाइसिस दो ही थी इट मीन्स हमारे पास मैक्सिमम दो ही सैंडविच बन रही हैं चाहे हमारे पास अभी भी ब्रेड स्लाइसिस एंड चीज़ स्लाइसिस पड़ी हैं इट मीन्स जो लिमिटिंग रेजेंट है वो मैक्सिमम कितना है उसी के अकॉर्डिंग ही मैक्सीम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है राइट सो टू कैलकुलेट ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम वी विल टेक द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रेजेंट सिंस मैग्नीशियम वॉज द लिमिटिंग रेजेंट सो वी हैव टेकन सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्शन में हमारे पास टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं और टू मोल्स ऑफ मैगनीशियम यूज हो रहे हैं इन द गिवन केमिकल इक्वेशन जो हमें स्टेटमेंट में दिया है तो वी विल सॉल्व आउट इट तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैंसल आउट राइट सो इट विल गिव टू एंड टू आल्सो कैंसल आउट इट इट विल गिव मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मीन्स वी विल गेट सेवन पॉइंट एट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल राइट सो यूजिंग दिस मैथड वी कैन कैलकुलेट द अदर नुमेरिकल्स ऑल्सो आपने क्या करना है सबसे पहले ये लिमिटिंग रेजेंट को फाइंड आउट करना है फर्स्ट यू शुड फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे दोनों रिएक्टेंट्स को में से पहले एक को मैक्सिमम मान के उसको रेक्ट करवा के देखेंगे कि दूसरा रेक्टेंट कितना चाहिए फिर दूसरे रेक्टेंट को उसकी मैक्सिमम अमाउंट लेके देखेंगे कि उसको रेक्ट करवाने के लिए दूसरा रेक्टेंट कितना चाहिए उसके बाद हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग रेजेंट की यूज़ करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे हाउ मच मैक्सिमम प्रोडक्ट कैन बी फॉन्ड लिमिटिंग रेजेंट की मैक्सिमम वैल्यू लेके ही हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं सो दीज आर द टू मेन पॉइंट्स to find out limiting reagent and to find out the maximum amount of product used